Every day in India, there are 10,000 dog bites reported. Dog biting a little kid inside a housing society. कुत्ते ने 15 साल के बच्चे शावेज को काट लिया. इन्फेक्शन इतना बड़ा कि उसकी हालत खराब हो गई और उस बच्चे की पिता की गोद में तड़पते हुए जान चली गई. मध्य प्रदेश, एक 7 महीने के बच्चे की माँ घर साफ कर रही थी. जैसे ही वो कुछ काम के लिए घर के अंदर गई, 3 से 4 कुत्तों ने घर पे हल्ला बोल दिया और फिर उस 7 महीने की नन्ही सी जान को खींचकर अपने साथ लेकर गए. एंड अनफॉर्चुनेटली इस घिसा पिटी में उस बच्चे की जान चली गई. गुजरात, एक 2.5 साल का बच्चा जो सेरामिक फैक्ट्री के सामने खेल रहा था, उसको बीच खेल में कुत्ते ने काट लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. केरला, एक 65 साल की बूढ़ी औरत को कई कुत्तों ने मिलकर मार दिया और वो यही नहीं रुकते, उसका आधा शरीर इन कुत्तों ने खा लिया. इवन वर्सेस चेन्नई में भरी दोपहर में सिर्फ 2 घंटों में कुत्तों ने 29 लोगों को काटकर उन्हें बुरी तरह घायल किया. आज ये सेम हालत इंडिया के हर एक स्टेट, स्टेट के हर एक शहर, शहर के हर एक गली की है. इनफैक्ट आज स्ट्रे डॉग्स को लेकर इंडिया की हालत इतनी खराब है कि यू वोंट बिलीव. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर साल कुत्तों के अटैक के मिलियन केसेस सामने आते हैं और इन मिलियन केसेस से हर साल 10,000 लोगों की जान चली जाती है. इस साल तो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर कुत्तों के काटने के 2.5 मिलियन केसेस रिकॉर्ड किए हैं. सो द क्वेश्चन इज, ये मासूम दिखने वाले जानवर जिन्हें इंसानों का रक्षक माना जाता है, वो अचानक उनके भक्षक क्यों हो गए? क्यों वो इतना वाइल्ड और एग्रेसिव हो गए? आपने बचपन में कभी नोटिस किया, एक BMC या आपके म्यूनिसिपल की वैन आती थी और फिर वो पर्टिकुलर एरिया के कुत्तों को उठाकर लेकर जाती थी एंड देन वहां जाकर उनका ट्रीटमेंट होता था टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन. लेकिन आजकल ये वैंस मानो जैसे गायब ही हो गए हो. पर आखिर क्यों? कुत्तों के अटैक के इतने बढ़ते जानलेवा हादसों को देखते हुए भी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देखेंगे कि आखिर इस सब की शुरुआत कहां से और क्यों हुई. अगर मुझसे पूछोगे तो इनके इस बिहेवियर के पीछे का मुख्य कारण है हम खुद. हम इंसानों ने इन बेजुबान जानवर को ऐसा बिहेव करने के लिए मजबूर किया है. इन आर्टिकल्स को पढ़ो, अब खुद ब खुद समझ जाओगे. गुजरात के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक एम्प्लॉय को डॉग्स को सेक्सुअली हैरास करते हुए पकड़ा गया. दिल्ली में एक हफ्ते में 2 ऐसे केसेस लाइमलाइट में आए जिसमें 2 लोग फीमेल स्ट्रे डॉग्स को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे, उनके साथ घिनौना हरकत कर रहे थे. मैंने तो सिर्फ ये 2 केसेस ही बताए हैं, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करोगे तो ऐसे 1760 केसेस आपके सामने आ जाएंगे इन स्ट्रे डॉग्स के साथ हो रहे सेक्सुअली अब्यूज की. सिर्फ इतना ही नहीं, सेक्सुअली अब्यूज तो एक तरफ, इनके साथ साथ उन्हें बिना मतलब मारा जाता है, उन्हें गाड़ी से लटकाकर खींचा जाता है, उन्हें गाड़ी से उड़ाया जाता है. और तो और तेलंगाना के एक गाँव ने तो हद ही पार कर दी. वहां रह रहे लोगों ने 100 कुत्तों को जहर देकर मार दिया. एंड यू नो वॉट, आज ये हर एक गली में हो रहा है. दुनिया के हर एक कोने में यही हाल है, बीटिंग, ड्राइविंग, किलिंग. जस्ट इमेजिन, आपको अगर किसी ने एक खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे? फिर से हाथ उठाओगे? बस ये कुत्तों का जो भी एग्रेसिव बिहेवियर है, लोग दिखते ही हमला बोल देना, उसके पीछे की वजह भी उनका प्रोटेक्शन ही है. इस हैरेसमेंट के साथ ही उनके इस एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे और 2 मेजर रीजन है. पहला, लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर. यू सी 3 टाइप्स के स्ट्रे डॉग्स होते हैं. पहला, जो बिल्डिंग के इर्द गिर्द रहते हैं या कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिन्हें बिल्डिंग में रहने वाले लोग खाना खिलाते हैं, यानी देखा जाए तो ये खाने के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं. दूसरा टाइप इसके एकदम विपरीत होता है, इसमें वो किसी भी इंसान पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो खुद का खाना खुद ही ढूंढ लेते हैं, चाहे वो किसी का फेंका हुआ हो या फिर बारिश का जमा हुआ पानी हो, वो जो भी दिखता है वो खा लेते हैं. इनका तीसरा टाइप काफी इंटरेस्टिंग येट सैड रियलिटी है. तीसरा टाइप में ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं जो एक समय पे किसी के पेट हुआ करते थे, लेकिन किसी न किसी रीजन के वजह से वो उन्हें सड़क पर ही छोड़ देते हैं. आप मानोगे नहीं, रिसेंट रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 50% डॉग ओनर्स एवरी ईयर अपने पेट को सड़क पर छोड़ देते हैं. ऐसे में अब क्योंकि उन्हें दुनिया की समझ नहीं होती, ये रास्ते पर इर्द गिर्द भटकते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर ये कई बार लोगों को काटने लगते हैं. कभी कभी तो ये गाड़ियों के नीचे भी कुचल दिए जाते हैं. ये तीनों टाइप मिलाकर इंडिया की सड़कों पे आज 65 मिलियन कुत्ते घूम रहे हैं, यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन तीनों शहरों में मिलाकर जितनी पॉपुलेशन है उतनी. अब आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट केस में तो खाने का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर वो क्यों अटैक करते हैं? तो देखो, मेनली होता क्या है, एक डॉग को हर दिन 2-3 मील्स रिक्वायर होते हैं
और एक पपी को कम से कम 4-5 मील्स। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा खाना दे दिया और हो गया। उनका पेट भरने के लिए हम इंसानों जैसे ही एक प्रॉपर डाइट विद प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल जरूरी होता है। लेकिन यही खाना ना मिलने की वजह से उनमें हंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं और फिर उनका हंगर जस्ट लाइक अस ह्यूमन एग्रेशन में तब्दील हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इन भूखे कुत्तों को कोई खाना नहीं देता, खाना जरूर देते हैं, लेकिन रिसेंटली ऐसा देखा गया है, ऐसा कई केसेस सामने आए हैं जहां सोसाइटी से इन कुत्तों को निकाल दिया गया है। सोसाइटी के अंदर आने से उनको मारा जाता है। इनफैक्ट कई जगहों पर तो अगर कोई इंसान उन डॉग्स को खाना भी खिलाता है तो उन्हें हरास किया जाता है, उन्हें किसी को भी खाना खिलाने नहीं दिया जाता है। साथ ही ऐसी कितनी सोसाइटीज आज मुंबई में मौजूद है जो स्ट्रे डॉग्स तो छोड़ो, इनफैक्ट पेट्स तक को रखना अलाउड नहीं करती, पेट ओनर्स को साफ मना कर दिया जाता है। कई सोसाइटी के बाहर तो पेट्स आर नॉट अलाउड का बोर्ड भी लगा दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर आप साफ देख सकते हो, हम यानी इंसान खुद कुत्तों की ऐसी हालत के जिम्मेदार है ना। जितनी गलती हम इंसानों की है उससे ज्यादा गलती गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस की है। बीएमसी को हर महीने स्ट्रे डॉग्स के स्टरलाइजेशन के पैसे मिलते हैं, लेकिन वो उनका जितना पैसा मिलता है उसका आधा या उससे भी कम इन स्ट्रे डॉग्स पर यूज करती है। अगर वो समय रहते कोई एक्शन लेते तो शायद आज ये मिलियंस का आंकड़ा कभी पार नहीं होता। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हर एक एरिया के स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक लिमिटेशन होती है और वो लिमिटेशन क्रॉस ना हो इसका पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी बीएमसी की होती है, क्योंकि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अनुसार सिर्फ बीएमसी का एम्प्लॉय ही इन स्ट्रीट डॉग्स को छू सकता है और पकड़ सकता है। अगर कोई बीएमसी का ये कानून हाथ में लेने की कोशिश कर ले तो उसे 2 से 3 साल की जेल और 25,000 से लेकर 1,00,000 तक फाइन लग सकता है। सो ये गवर्नमेंट ऑफिसर आखिर करते क्या है, इन स्ट्रीट डॉग्स को एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन यूनिट में ले जाकर उन पर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। फिर रेबीज डिसीज के अगेंस्ट वैक्सीनेट किया जाता है उनको ताकि उनके अंदर के रेबीज वायरस मर जाए और उनकी सडन डेथ ना हो। साथ ही साथ उन्हें डिवॉर्मिंग ड्रग्स भी दिए जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन। लेकिन आजकल इन सभी चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट का इग्नोरेंस काफ़ी बढ़ गया है और इस चीज़ की वजह से रेबीज होने लगता है और फिर वो एग्रेसिव बिहेव करते हैं, काटने को दौड़ते हैं। और इनके काटने की वजह से इंडिया में 18,000 से लेकर 20,000 लोगों को रेबीज हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इंडिया में 36% डेथ्स तो सिर्फ कुत्तों के काटने की वजह से होती है। सो ये सब रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो उसके 2 तरीके हैं। एक तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द चीज पर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन वो जब एक्शन लेगी तब लेगी, उसके पहले हम पर्सनल लेवल पर बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक वे है स्ट्रे डॉग्स को हेल्प करने की। इसके लिए आप एक्सेसिबल एरियाज में फूड एंड वाटर शेल्टर सेटअप कर सकते हो सो दैट उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। इफ आप खुद से ये सब नहीं कर सकते हो तो जो कोई भी करना चाहता है एटलीस्ट उनको करने के लिए सपोर्ट करो। ऑफर शेल्टर, दिस कैन बी डन बाय सेटिंग अप ए शेल्टर इन योर यार्ड और गैराज, या फिर आप जगह जगह सेफ शेल्टर बना सकते हो। इससे होगा ये कि इन स्ट्रे डॉग्स को कोल्ड या वार्म वेदर में रहने के लिए एक सेफ जगह मिल जाएगी। फॉस्टर एनिमल, फॉस्टरिंग यानी कि उनका आप ख्याल भी रख सकते हो। इसमें आप एक टेम्परेरी होम में लाकर रख सकते हो, जस्ट लाइक अनाथ आश्रम, वहां से उसे कोई अगर अडॉप्ट करना चाहता है तो वो अडॉप्ट कर सकता है। फॉस्टरिंग इज अ ग्रेट वे टू हेल्प एनिमल्स। प्लस वियर्ड थिंग इज, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो ये जो स्ट्रे डॉग्स है वो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पेट डॉग्स पर भी अटैक करते हैं। अब यूजुअली एटलीस्ट डॉग्स पर तो हल्ला नहीं करना चाहिए उनको, बट स्टिल वो लोग करते हैं। रीजन, जैसे हम इंसानों को प्यार की जरूरत होती है, हम प्यार के भूखे होते हैं, वैसे ही इन मासूम जानवर को भी प्यार की जरूरत होती है। और जब उन्हें ये प्यार या अटेंशन नहीं मिलता है तो वो ऐसे बड़े कदम उठाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनके एरिया में कब्जा कर रहा है, उनके एरिया में आ गया है। इसलिए हम सब के लिए बेटर यही होगा कि हम उन स्ट्रे डॉग्स को भी उतना ही अटेंशन दें। डॉग सोशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट। फोर्थ, अडॉप्ट ए स्ट्रे। यूसी, हम बहुत से पेट एनिमल्स को आउट ऑफ इंडिया से यहाँ मंगाते हैं, इससे अच्छा तो हम इन फॉस्टर्स होम में रहने वाले डॉग्स को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, वॉलंटियरिंग। इसमें आप जगह जगह एनिमल अवेयरनेस के कैंपेन, एडॉप्शन कैंपेन, वैक्सीनेशन कैंपेन रख सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझकर इस एनिमल एब्यूज़ को रोक सकते हैं। इस कैंपेन में आप बता सकते हो कि व्हाट टू डू इफ स्ट्रे डॉग्स अटैक्ड यू। सो देखो, अगर कोई स्ट्रे डॉग आप पर अटैक करने की कोशिश करता है तो आपको भागने की बजाय
वहीं पे खड़े हो जाना चाहिए। अगर आप भागते हैं तो उनका इंस्टिंक्ट जाग जाता है, वो आप पर अटैक करने के लिए आपके पीछे भागने लगेंगे, तो बस उनसे बचने के लिए उनके साथ आई अटैक करो और धीरे धीरे पीछे हटते जाओ। लेकिन अगर गलती से आपको उसने अटैक कर लिया तो सबसे पहले मेडिकल हेल्प ले लो, सो दैट रेबीज जैसे डिसीज आपको कभी ना हो। क्योंकि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे आपने जरूर देखा होगा, जिसमें एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया जिसके बाद उसे रेबीज हो गया और वो उस कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है तो तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना एक आइडियल चॉइस होगी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बस एक ही मोटो है, सिर्फ भले ही वो एक जानवर है लेकिन है तो जीव ही ना, तो लेट अस एंड ऑल टाइप ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स टुगेदर। क्योंकि इवन बिफोर अस पृथ्वी पर कई सारे अलग अलग स्पीसीज के एनिमल थे, बर्ड्स थे, लेकिन हमारे सेल्फिशनेस की वजह से ये सभी जीव आज सड़क पर आ गए हैं। ना उन्हें कोई खाने के लिए प्रॉपर खाना मिलता है और ना ही रहने के लिए एक सेफ शेल्टर। सो प्रोटेक्ट नॉट जस्ट डॉग्स बट एवरी एनिमल लाइक योर ओन। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो एनिमल्स के प्रति काफी हार्श है, और एनिमल लवर्स के साथ भी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।